हाई एवरी वन एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड यू आर मोस्ट वेलकम वेलकम टू सिलेक्शन टारगेट। कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी पेड क्लास में। प्लीज़ कन्फर्म कर दें कि ऑडियो वीडियो क्लियर है या नहीं। तो आज हम लोग शुरू करेंगे अपनी प्रैक्टिस। गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया? ओके तो फिर शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि आज जो प्रैक्टिस होगी वो अल्फ़ाबेट जहां से हमने फिनिश किया था, यानी कि लगभग TUVW, ठीक है, इन सब की प्रैक्टिस आज हो जाएगी। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आता है ये वाला। इसमें क्या होगा? सिनोनिम ऑफ स्पेकुलेशन, इसका आंसर दीजिए क्या होगा, बताइए। चलिए, हाउ आर यू सर? मैं तो ठीक हूँ, बट मेरा सिस्टम ना दिमाग खराब किए हुए मेरा बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्या दिक्कत है इसको, ये बंद हो जाता है एकदम से, जबकि UPS लगा हुआ है, लाइट जाती है तो UPS इसीलिए होता है कि उसको थोड़ा देर के लिए संभाल सके, लेकिन लगता है किसी बड़े स्तर पर अपग्रेड की आवश्यकता है। चलिए, इसमें क्या? सिनोनिम ऑफ स्पेकुलेशन, यदि आप इसका आंसर देंगे तो स्पेकुलेशन मतलब होता है स्पेक, यानी देख करके कैलकुलेशन लगाना। तो कभी कभी हम चीज़ें क्या करते हैं, देख करके कैलकुलेशन लगाते हैं, यानी कि अनुमान लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? अनुमान। तो उसके लिए वर्ड आएगा इन्फ्रेंस, आएगा क्या आएगा? इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस माने भी क्या होता है? अनुमान लगाना होता है। एम्प्लॉयर का मतलब होता है प्रार्थना करना, यानी कि प्रे करना। और वीरेसिटी का मतलब होता है ईमानदारी। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि वीरेसिटी और वोरेसिटी में केवल यहाँ पर ओ और ई का फर्क है। वीरेसिटी, वीरों की जैसी बात आ जाए तो ईमानदारी, और बोरा भर के पैसों की बात आ जाए तो लालच की बात कह सकते हैं आप। वोरेसिटी मीन्स लालच, वीरेसिटी मतलब ईमानदारी। और एक्यूरेसी का मतलब क्या होता है बेटा? शुद्धता होता है, याद रखिएगा। सो इस तरह से ए ऑप्शन इज आपका करेक्ट, इसमें आप गेस भी लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्या होगा बताइए। सिनोनिम ऑफ अनप्रॉम्प्टेड, इसका क्या होगा? अनप्रॉम्प्टेड का क्या होगा? अनप्रॉम्प्टेड का मतलब होता है जो स्वतः स्फूर्त, आप कह सकते हैं जो अपने आप ही चीज़ें होती रहती हैं, उसी को अनप्रॉम्प्टेड कहा जाता है। क्योंकि प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा से कोई काम बहुत जल्दी जल्दी करता है, अपनी फुर्ती से करता है, लेकिन अनप्रॉम्प्टेड मतलब स्वतः स्फूर्त, उसमें अपने आप ही जोश आ रहा है, मतलब अपनी मर्जी उसमें नहीं चल रही, वो अपने आप सब कुछ हो रहा है, उसको अनप्रॉम्प्टेड कहा जाता है। ये बहुत कन्फ्यूज करता है, बट आपको ध्यान रखना है कि प्रॉम्प्टेड मीन्स क्या होता है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा से बहुत तीव्रता से कोई काम करता है, जिसमें अपनी इच्छा शामिल होती है, वो आपका होता है प्रॉम्प्टेड। अनप्रॉम्प्टेड जिसमें आपकी इच्छा शामिल नहीं होती है, जो स्वतः होता है अपने आप, जैसे कि हमारा दिल का धड़कना अपने आप होता है, इसमें हमारी कोई इच्छा नहीं है। हम सांस को तो रोक सकते हैं, लेकिन दिल के धड़कन को रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, रुक गई तो गेम ओवर। तो इसलिए यहाँ पर जाएगा स्पॉन्टेनियस हो जाएगा बेटा। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वतः स्फूर्त, आप कह सकते हैं, यानी कि अपने आप ही जो चीजें घटित होती हैं वो। ठीक है, सोपोरिफिक का होता है निद्राजनक। ठीक है, सोपोरिफिक मतलब निद्राजनक, जो नींद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सोना, सोपोरिफिक यानी कि सोने की दवा खा ली, मतलब निद्राजनक, ठीक है, जो नींद ला दे, टॉक्सिक वगैरह।
और डेलिब्रेटली का मतलब होता है जानबूझकर, इंटेंशनली का मतलब भी होता है जानबूझकर, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हैं। तो राइट ऑप्शन इज डी, यहां पर हो जाएगा एकदम क्लियर। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर थ्री इज सिनोनिम ऑफ सीडेटिव, सिनोनिम ऑफ सीडेटिव इसका क्या होगा बताइए। सिनोनिम ऑफ सीडेटिव इसका क्या होगा बता दीजिए। सीडेटिव का मतलब भी क्या होता है कि यार डेट को देख करके जो दर्द होता है ना, सीडेट कि डेट को देख करके जो दर्द होता है कि इस डेट को मेरे साथ में ये बुरा हुआ था, उस दर्द को हटाने के लिए जो दवा दी जाती है वो सीडेटिव दवाई होती हैं, दर्द को हटाने वाली औषधि होती है। यानी आप कह सकते हैं एनोडाइन, आप कह सकते हैं बी ऑप्शन इज करेक्ट। स्टिमुलेंट वो होते हैं जो आपको अंदर से ऊर्जा देते हैं, आपको उद्दीपन देते हैं, मतलब आपको मोटिवेट करते हैं, उसको आप स्टिमुलेंट कह सकते हैं। ब्रेसिंग का मतलब होता है जो आराम, मतलब उकसाने वाला, ब्रेसिंग कहे ब्रो रेसिंग करोगे क्या, ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, उकसाने वाला यानी कि स्टिमुलेंट जिसको हम कह सकते हैं। ब्रेसिंग, ब्रेसिंग मतलब हे ब्रो रेसिंग करोगे क्या, हमारे साथ में रेसिंग करोगे क्या, ऐसा बोल करके कोई व्यक्ति आपको उकसा रहा है, तो ब्रेसिंग का मतलब होता है उकसाना। और स्पास्मोडिक का मतलब होता है छिटपुट, यानी कि कभी कभार, इंटरमिटेंट जिसको हम बोलते हैं स्पास्मोडिक, कि मोदी जी जो हैं वो स्पा कभी कभी जाते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज बी यहाँ पर एब्सोल्युटली करेक्ट। ये याद करने की ट्रिक याद रखिएगा, बात समझ में आ गई। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर फोर का क्या होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर फोर इज सिनोनिम ऑफ स्टैग्नेंट। ठीक है, आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं अपनी स्लाइड में जो ये यूज़ करता हूँ ना फॉन्ट साइज, वो बाकी कोचिंग के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से आप आराम से चीज़ों को देख पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मेरे यहाँ लो क्वालिटी में भी चीज़ें बहुत अच्छी दिखती हैं, वो इसलिए क्योंकि मैं फॉन्ट साइज अच्छा यूज़ करता हूँ। चलिए सिनोनिम ऑफ स्टैग्नेंट का मतलब क्या होता है बेटा। स्टैग्नेंट का मतलब होता है जो स्थिर होता है, मतलब निष्क्रिय हो जाता है, या स्थिर आप कह सकते हैं स्टैग्नेंट, है ना, कि सुपर टैग मिल गया आंटी को तो वो आप आराम से काम करते हैं। ठीक है, यानी कि स्टेशनरी आप कह सकते हैं। स्टेशनरी में भी मैंने आपको सिखाया था कि यदि ए आर वाई है तो ही वो स्थिर का मीनिंग होगा, अगर ई आर वाई है तो ये बुक वाला जो होता है ना किताब, कॉपी किताब वाली दुकान, उसको स्टेशनरी कहा जाता है। अगर ई आर वाई यहां पर है तो याद रखिएगा। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज सी यहां पर हो जाएगा। मोशनफुल का मतलब होता है जो गति में है, गतिमान है। ओपिएट, ओपिएट मतलब होता है जो नशीलची है ना, और अनकॉन्स्टेंट जो जिसको मतलब कोई रोक नहीं सकता, अनकॉन्स्टेंट है, आजाद है कह सकते हैं। तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, इसलिए आपको मतलब 144 में भी आपको थोड़ा सा डिम दिखाई देगा, बट क्वालिटी तब भी सही रहती है, और 240 में तो एकदम क्लियर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके ऊपर आप जितना जा सकते हैं। ऐप में भी हमने वो सुविधा दी है। ठीक है, मैंने ट्रायल किया हुआ है, पता नहीं बच्चे कैसे कहते हैं कि बहुत डेटा जाता है, ऐसा कुछ भी है नहीं है वैसे। देखिए, और इसके बाद में आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आता है सिनोनिम ऑफ ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट का क्या होगा, इस समय तो लाइट की वजह से बहुत दिक्कत हो रही है, मैं ट्रायल नहीं ले पा रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि एक क्लास में ऐप में ले लूँ फ्री वाली सभी बच्चों के लिए, जिससे कि ये क्लियर हो जाएगा कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है ऐप ना, अभी तक ट्रायल नहीं हुआ है उसका आप लोगों के साथ। लाइट आती है तो आज ही कर लेते हैं। सिनोनिम ऑफ ऑब्डुरेट इसका क्या होगा। देखिए, ऑब्डुरेट का मतलब होता है हठी होता है, यानी कि अडामेंट आप कह सकते हैं, स्टबन कह सकते हैं आप, ठीक है, हेडस्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, बहुत सारे शब्द मैंने आपको सिखाए थे।
कोर्टियस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति सभ्य होता है, ओबीडियंट जो व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, और स्टूडियस मतलब जो व्यक्ति मेहनती या अध्ययनशील होता है उसको स्टूडियस कहते हैं। ठीक है, सो राइट ऑप्शन इज क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्या होगा सिनोनिम ऑफ डोरमेंट। ठीक है, हाँ वो बात भी सही है कि बहुत सारे बच्चों को टेक्निकल ज्ञान ही नहीं होता है। अब टेक्निकल ज्ञान अगर किसी बच्चे को नहीं है तो वो किसी दूसरे को दोष दे उसका भी कोई फायदा नहीं होने वाला है ना। अब पहले YouTube में आसान था, YouTube में तो अब टिपिकल कर दिया गया है, अब तो आपको एडवांस सेटिंग में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से क्वालिटी कम करनी पड़ेगी। ऐप में सीधा आता है कि आप किस क्वालिटी में देखना चाहते हैं। आज हो सकेगा तो ट्रायल लूंगा, आज मेरी क्लास यूट्यूब वाली ना पब उसमें ले लूंगा, ऐप में। सिनोनिम ऑफ डोरमेंट, डोरमेंट का क्या मतलब होगा? डोरमेंट का मतलब होता है निष्क्रिय होता है, ट्रिक भी मैंने आपको सिखाई थी है ना, निष्क्रिय, सॉरी निष्क्रिय, यानी जो व्यक्ति डोर में खड़ा रहता है ना वो बोर हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। अनबिडन का मतलब क्या होता है? अनबिडन यानी कि स्वेच्छापूर्ण कह सकते हैं आप, अपनी इच्छा से, क्योंकि मैंने आपको बिड बिड माने बोली लगाना या भड़काना किसी को। इंडोलेंट का मतलब होता है निष्क्रिय होता है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लामेंट माने जिद्दी होता है, ठीक है, और एक होता है क्लेमेंट, क्लेमेंट माने होता है दयालु होता है, दया जिसको आप कह सकते हैं, क्लेमेंट माने दया। क्ले और ये CLAMENT इसका मतलब होता है जिद्दी। स्टबर्न मीन्स होता है जिद्दी, सो याद रखिएगा बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल पीके। ठीक है, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या होगा? सिनोनिम ऑफ सब्जुगेट, इसका क्या होगा बताइए। सिनोनिम ऑफ सब्जुगेट, ठीक है, सब्जुगेट का मतलब होता है कि सब जगह जितने भी गेट हैं सबको अपने कब्जे में ले लो। आपने डायलॉग सुना होगा मूवी में, पुलिस वाले बोलते हैं सारे सारे दरवाजों को घेर लो, कहीं से कोई बहाना निकल पाए। तो सब्जुगेट का मतलब होता है अधीन करना, अपने कब्जे में ले लेना, अपने अधीन करना, यानी कि मॉडिफाई करना। मॉडिफाई का मतलब भी होता है वश में करना, अधीन करना, और मॉडिफाई का मतलब अपमानित करना भी होता है, तो राइट ऑप्शन इज बी। परवेंट का मतलब होता है फुर्तीला। ट्रिक याद आ रही ही होंगी, अगर याद नहीं आ रही हैं इसका मतलब है कि आपने बहुत मन लगा के पढ़ाई नहीं की, सीधी सी बात। तो अब और मन लगाइए, चीज़ों को रिवीजन करिए, जैसे मैंने आपको कल बताया था वैसा ट्राई करिए, और आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट 2 महीने में ही देख लेंगे, बल्कि एक ही महीने में आपको दिख जाएगा। लिबरेट का मतलब होता है आज़ाद कर देना, डिस्चार्ज का मतलब भी होता है आज़ाद कर देना, तो बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 8 का, क्या होगा सिनोनिम ऑफ सकंब। सिनोनिम ऑफ सकंब का क्या होगा बताइए। हाँ देखिए, सकम अभी आपने सब्जुगेट पढ़ा, सब्जुगेट का मतलब भी होता है अपने अधीन करना, सकम्ब का मतलब होता है समर्पण करना। ठीक है, ये समर्पण करने के सेंस में, यानी अधीन हो जाने के सेंस में, अधीन करने के सेंस में नहीं, अधीन हो जाने के सेंस में, समर्पण करना यानी यील्ड। चलिए इसकी स्पेलिंग थोड़ा मतलब सही कर लीजिएगा, ऐसे YIELD है। चलिए तो यदि हम इसकी बात करते हैं समर्पण करने की, तो यहाँ पर वर्ड आता है कैपिटुलेट। कैपिटुलेट का मतलब भी क्या होता है? अधीन करना, समर्पण करना। अपोज माने विरोध करना, प्रोटेस्ट माने विरोध करना, रिलीज माने आज़ाद करना, डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, बात समझ में आ गई। आपको पता है स्टूडेंट भी कई तरह के होते हैं,
एक को आप मोटिवेट करेंगे, उसका मोटिवेशन कल सुबह तक ही चलेगा। हाँ, एक वो कैटेगरी होती है। एक वो स्टूडेंट होते हैं जिसको आप मोटिवेट करेंगे तो हफ्ता भर चलेगा, एक वो होंगे जो महीने भर चलेंगे, और एक वो होते हैं जो उसी मोटिवेशन से अपनी स्ट्रेटजी ऐसा सेट करते हैं कि वो हमेशा सेल्फ मोटिवेट होते रहते हैं, है ना। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं ये ध्यान रखिएगा। और सबसे ज़्यादा सफल होने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो लास्ट वाले की होती है, जाहिर सी बात है कि जो जिसको एक बार समझा दिया और वो उसी हिसाब से चीज़ें करता है, धीरे धीरे पेशेंस रखता है, उसमें थोड़ी सी फेल्योर मिलेगी, थोड़ी सी चीज़ें दिक्कत देंगी, बट धीरे धीरे वो इम्प्रूव करता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर पेशेंस है पढ़ाई करते समय, तो वो सफल है। सिनोनिम ऑफ स्वैंकी, इसका क्या होगा बताइएगा। स्वैंकी का क्या मतलब होगा? तो मैंने आपको कहा था स्वैंकी मतलब जो स्वैग में रहे, किस में रहे, स्वैग में, है ना, जैसे कि ठाट में रहने वाला। तो इसका हो जाएगा बेटा आपका प्लाशी, प्लाशी, प्लाशी माने भी जो ठाट में रहता है। समिट माने समर्पण करना होता है, क्वेल माने वश में करना होता है, सब स्टैंडर्ड का मतलब होता है अधीन होना या लो क्वालिटी का होना कह सकते हैं आप, ठीक है। हाँ, तो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसके बाद में नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10 का क्या होगा बता दीजिए। मुझे एक डर बहुत सता रहा है कि कहीं सिस्टम अचानक से फिर ना बंद हो जाए, सुबह से 2 बार बंद हो चुका है, अब ये कट कट कर रहा है फिर से, क्या लगवाऊँ ये नहीं समझ। सिनोनिम ऑफ एनकोमाइस्ट, इसको क्या कहा जाता है? एनकोमाइस्ट का मतलब क्या होता है? सरला जी, ओ थैंक यू। एनकोमाइस्ट का क्या होगा? स्पैनियल होगा, क्योंकि ये चापलूस होते हैं। एनकोमाइस्ट वो होते हैं जो चापलूस होते हैं, फ्लैटर्ड होते हैं, मतलब फ्लैटरी वाले होते हैं, बूट लिकर होते हैं, है ना। ए ऑप्शन इज करेक्ट। जो स्पेन के लोग होते हैं वो भी बड़े चापलूस होते हैं, ऐसे याद करवाया था, ठीक है, बात समझ में आ गई। खेल नहीं पा रहा है क्या की? और अनसर्विल का मतलब होता है किसी के सामने ना झुकना, ठीक है। ईल्ड माने झुक जाना, रिस्ट्रेन माने रोकना किसी को, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 इज सिनोनिम ऑफ सिंक्रोनस, इसका आंसर दीजिएगा। थोड़ा फास्ट चलते हैं, ठीक है, क्योंकि राम भरोसे है आज के दिन। पता नहीं लाइट इतनी क्यों काट रहा है, अब तो सब कुछ सही हो गया है, मैं एक हफ्ते से मेरे मेरे चेहरे पे जो लाइट ब्लिंक हो रही है ना, उसी का रीज़न है ये फ्लक्चुएशन का। सिंक्रोनस का क्या मतलब होता है? सिंक्रोनस का मतलब होता है जो समकालीन होते हैं, होते हैं समकालीन होते हैं, कंटेम्प्ररी होते हैं, ये सही है। सरेंडर करना, समर्पण करना, लेबोरियस मेहनती, सेकेंड क्लास मीन्स सब स्टैंडर्ड, तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 सिनोनिम ऑफ टैक्टफुल, इसका क्या होगा बताइएगा। टैक्टफुल का क्या होगा बताइएगा। टैक्टफुल का मतलब होता है जो व्यक्ति सभ्य होता है, व्यवहार कुशल होता है, व्यवहार कुशल होता है, उसको जेंटील हम कह सकते हैं, है ना। गाउचे मतलब असभ्य, असभ्य टाइप का व्यक्ति। मोनोटोनी जो नीरस होता है, इंसोलेंट जो निष्क्रिय होता है, सो राइट ऑप्शन इज ए। ये जो इंसॉल्वेंट है ना, इसमें यदि आप केवल क्या लगा दें, वी लगा दें ना, इंसॉल्वेंट, ये हो जाता है बैंक्रप्ट यानी दिवालिया। एक वी लग गया तो दिवालिया मीनिंग चेंज हो गया। सोचिए तो एक लेटर के लग जाने से शब्द बदल जाता है, तो आपको कितना सावधानी से पढ़ाई करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 इज सिनोनिम ऑफ टीडियम, टीडियम का क्या होगा बताइए।
टीडीएम का मतलब होता है जो, मतलब आप कह सकते हैं थका हुआ, मतलब उदास, उदासी कह सकते हैं, उदास, निष्क्रिय, थका हुआ, है ना, यानी कि मुंडेन हो जाएगा, मुंडा बड़ा ऑफ बीट है। ये ट्रिक भी मैंने आपको बढ़ाई थी, मैंने कहा था टेडियम, यानी जो व्यक्ति स्टेडियम में गया तो वो थक जाएगा, क्योंकि वहाँ खेलेगा, कूदेगा, दौड़ेगा, तो वो थक जाएगा, थकेगा तो उदास हो जाएगा, यानी अरुचि पैदा हो जाएगी। तो टीडीएम मतलब वही होता है, अरुचिकर या उदास या थका हुआ कह सकते हैं आप। मुंडेन, ट्रिक भी बताए थे कि मुंडा बड़ा ऑफ बीट, तो ये ऑप्शन करेक्ट। सेंसिबल मीन्स समझदार होता है बेटा। एट्रोशियस का मतलब होता है भयानक, और एडेप्ट माने होता है निपुण, ADEPT, एडेप्ट माने निपुण होता है, एडाप्ट माने अनुकूल होता है, और एडॉप्ट मीन्स गोद लेना होता है। तीनों याद रखिएगा, एडेप्ट, एडाप्ट और एडॉप्ट। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ ताकि आपको डिफरेंसेस याद रहे। ADAPT, एडाप्ट अनुकूल, एडॉप्ट यानी कि ऑप्ट करना, किसी को चुनना यानी कि गोद लेना, और एडेप्ट यानी कि निपुण होना। तो ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, सिनोनिम ऑफ टेम्पोरल, इसका क्या होगा बताइए। टेम्पोरल का मतलब होता है जो दैहिक है, भौतिक है, दैहिक है, भौतिक है, उसको हम कह सकते हैं कार्पोरियल, क्योंकि कार्पोरियल का मतलब भी होता है दैहिक या भौतिक। डिवाइन माने जो ईश्वरीय है, यानी कि जो जो लॉक जो आध्यात्मिक है, ईश्वरीय है, इसका एंटोनिम है ये। क्लीमेंसी मतलब दयालुता। रिलीजियस मीन्स होता है धार्मिक। सो राइट ऑप्शन इज ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए। हाँ, यहाँ पर आप अर्थली भी जोड़ सकते हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा, सिनोनिम ऑफ टीन्यूअस, टीन्यूअस का सिनोनिम क्या होगा बताइएगा। टेन्यूअस का मतलब होता है जो कमज़ोर है, दुबला पतला है, कि हमारी तनु बहुत दुबली पतली हो गई है। टेन्यूअस, हमारी तनु बहुत दुबली पतली हो गई है, ऐसे यानी इमेसिएटेड, ए मासी खाया करो, बहुत दुबली हो गई हो। और टॉर्पर का मतलब क्या होता है, जिसने बहुत तोड़ फोड़ की हो, यानी जो बहुत थका हुआ है। टॉर्पर का मतलब भी क्या होता है, थका हुआ, टीडियम। और स्टर्डी का मतलब क्या होता है, कठोर के सेंस में, ठीक है। ठीक है, चलिए। अब बिनेंसी तो आप जानते हैं, बिनाइन माने होता है कोमल, मतलब सभ्य होता है, कोमल होता है। बिनेंसी मतलब जिसके अंदर काइंडनेस हो, दयालुता हो। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का एंटोनिम ऑफ टॉर्पिडनेस, इसका क्या होगा बताइएगा। एंटोनिम पूछा है मैंने आपसे। टॉर्पिडनेस का मतलब क्या होता है, जो व्यक्ति मेंटली फिजिकली थक गया हो, लेथार्जिक हो गया हो, यानी कि निष्क्रिय हो गया हो, ये आप कह सकते हैं निष्क्रिय, इसको हम लोग लेथार्जिक कह सकते हैं, ठीक है। जो व्यक्ति मेंटली फिजिकली क्या हो, थक गया हो, उसको बोलते हैं टॉर्पिडनेस, थकावट को, तो जाएगा अम्यूजमेंट हो जाएगा। और बोर्डम का मतलब क्या होता है, वही निष्क्रिय होता है, ये तो आपको पता है कि बोर हो गए हैं, किसी से याद कर सकते हैं आप लोग। और ग्रम्पी मतलब मैंने आपको पढ़ाया था कि गुर्रा रहे हम पे, ग्रम्पी यानी गुर्रा रहे हम पे, यानी चिड़चिड़ा रहा है, चिड़चिड़ा कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बेटा, चिड़चिड़ा कह सकते हैं आप।
फैटिक माने थका हुआ कह सकते हैं। डी ऑप्शन इज करेक्ट। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा वो बताइए। देखिए टर्स का मतलब होता है संक्षिप्त तो होता है, टर्स का मतलब संक्षिप्त तो होता है, जिसको आप एंटोनिम में देखा जाएगा तो वर्ड निकल के आएगा कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंशन बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, तो वो ए ऑप्शन। कंसाइज इसका सिनोनिम है, कंपेंडियस भी आप कह सकते हैं, एब्रीवेट, ये तीनों सिनोनिम है। ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नहीं कंपेंडियस तो उसका सिनोनिम हुआ ना, हमें एंटोनिम बताना है। 17 वाले में बच्चों ने अलग अलग आंसर दिए, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है, ऐसे नहीं करना है। ध्यान से समझिए, टर्स तेरी लंबी लंबी बातों को हम तरस गए, तुमने छोटी बातों में सब कुछ कह दिया, संक्षिप्त हुआ इसका मतलब, ठीक है। और कंपेंडियस मतलब कम पेन में लिखा गया, पेन से कम लिखा गया, कंपेंडियस कम लिखा गया पेन से, का मतलब हो गया संक्षिप्त तो हो गया। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कॉम्प्रिहेंशन के पैसेज बड़े बड़े होते हैं, सो कॉम्प्रिहेंशन बड़ा होता है, विस्तृत। ए ऑप्शन करें, ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। मैट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, और एब्रीविएट तो आप जानते हैं शॉर्ट करना होता है, लिटरेचर में यूज होता है ये वर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या होगा, एंटोनिम ऑफ ट्रांसग्रेस। देखिए ट्रांसग्रेस का क्या मतलब होता है, उल्लंघन करना होता है, इसका हो जाएगा कंप्लाई। कंप्लाई का मतलब होता है पालन, आज्ञा पालन करना। सुपरसीड और इन्फ्रिंज और वायलेट तीनों का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना होता है। सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या होगा वो बताइएगा। आप जानते हैं मैंने इसमें आपको पढ़ाया था फुगेशियस, फुगेशियस मतलब वही, फुगेशियस माने होता है निष्क्रिय क्षणिक, क्योंकि जो फुग्गा होते हैं मतलब गुब्बारे, क्योंकि फूंक के भरे जाते हैं ना, इसलिए कहीं कहीं गांव में फुग्गा बोल दिया जाता है गुब्बारों को, क्षणिक। तो इसका एंटोनिम पूछा है मैंने, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इसका अबाइडिंग, क्योंकि ट्रांजिटरी, ट्रांजिएंट, टेम्पररी, ये तीनों क्षणिक के सेंस में होता है। अबाइडिंग ए ऑप्शन, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अबाइडिंग का मतलब होता है बिल्कुल मतलब लंबा चलना, बांध के रखना, लंबा चलना, है ना, डी ऑप्शन इज करेक्ट। 20 में क्या होगा, एंटोनिम ऑफ ट्रीपिडेशन, इसका क्या होगा बताइएगा। अब देखिए यहाँ पर वर्ड आता है ट्रीपिडेशन, ठीक है। ट्रीपिडेशन का मतलब होता है ट्री, ट्री माने जो पेड़ हैं, है ना। अब ऐसे याद कर सकते कि जो मैंने पेड़ लगाए थे, ट्री लगाए थे, वो पिदा, पिदा मतलब पैदा नहीं हुए, इसकी टेंशन है, है ना। यानी ट्रीपिडेशन का मतलब होता है घबराहट, चिंता। याद कर सकते हैं कि ट्री लगाया था, पैदा नहीं हुआ, उसकी टेंशन है, ट्रीपिडेशन। ट्री लगाने का, ट्री पैदा नहीं हुआ, उसकी टेंशन है। जैसे किसान लोग पेड़ लगाते हैं, पेड़ कभी कभी नहीं हो पाते हैं, तो वो बेचारे घबरा जाते हैं कि अब मेरा क्या होगा। तो ट्रीपिडेशन घबराहट या चिंता आप कह सकते हैं। इसका उल्टा हो जाएगा कंसोल, कंसोल का मतलब होता है सांत्वना, हिम्मत बढ़ाना, सांत्वना देना।
ट्रेम्बलिंग का मतलब होता है कांपना या टेंशन चिंता, नर्वसनेस भी उसी का मतलब होता है, और एप्रीहेंजन भी आप कह सकते हैं कि मुझे कॉम्प्रीहेंजन नहीं आता, मुझे इस बात का एम्प्रीहेंजन है, मुझे इस बात की चिंता है कि मुझे कॉम्प्रीहेंजन नहीं आता, है ना। ये तो ए बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रैक्टिस बैच में कॉम्प्रीहेंजन भी होगा तो क्लियर हो जाएगा सब, डोंट वरी। एंटोनिम ऑफ यूबिक्विटस, इसका क्या होगा बताइए। यूबीक्विटस का क्या मतलब होता है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, सर्वव्यापक। इसका हो जाएगा स्कार्स, ए ऑप्शन करेक्ट। एवरीवेयर, जो सब जगह मौजूद है, ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, तीनों इसका सिनोनिम है, ये आपका एंटोनिम हो जाएगा, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। एंटोनिम बताना है, सिनोनिम नहीं बताना है, ठीक है। सिनोनिम मत बताइए बेटा, एंटोनिम बताइए। क्वेश्चन नंबर 22, एंटोनिम ऑफ एन अडॉन्ट, इसका क्या होगा बताइए। एंटोनिम ऑफ एन अडॉर्न्ड, इसका क्या होगा। एन अडॉर्न का मतलब होता है अन अलंकृत, ठीक है। अन अलंकृत, अनलंकृत मतलब जो अलंकृत ना हो, सजा हुआ ना हो, उसका एंटोनिम होगा अनबैलेंस्ड, इम्बैलेंस्ड। इम्बैलेंस्ड माने जिसमें बेल वेल लगा करके बढ़िया सजाया गया हो, जैसे क्रिसमस का पेड़ होता है ना, ऐसे इम्बैलेंस्ड का मतलब सजा हुआ। अनवार्निश्ड इसका सिनोनिम है, अनफर्निश्ड भी इसका सिनोनिम है, और जो परट्रब आता है, परट्रब्ड, ठीक है, ये क्या हो जाएगा। जो सेटल्ड ना हो, है ना, परटर्ब मतलब वही जो अभी मैंने आपको बताया ना, टेंशन चिंता वाला, ठीक है, यानी एप्रीहेंजन वाला। परटर्ब्ड, परटर्ब्ड का मतलब होता है चिंता, या परेशान कह सकते हैं आप, परेशान या परेशान, चिंतित कह सकते हैं। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ अनटीनेंटेड का क्या होगा बताइए। अनटीनेंटेड का मतलब होता है कि जिसमें जो खाली हो, जिसमें किराएदार ना रहते हों, इसका एंटोनिम पूछा है तो इनहैबिटेड, जहाँ पर लोग रहते हों, निवासी, जहाँ पर लोग रहते हों। डेजोलेट, सेक्लूडेड, दोनों का मतलब होता है एकांत में, ठीक है, जो एकांत हो, खाली हो। ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, तो राइट ऑप्शन इज सी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 24 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब होता है एक रूपता। यूनिफॉर्म इसलिए पहनाया जाता है ताकि एक रूपता बनी रहे सभी लोगों में। इसका हो जाएगा इनकंसिस्टेंसी। जैसे कोई चीज़ एक समान गति से चल रही है, एक रूप गति से चल रही है, तो हम कह सकते हैं कि सारी वस्तुओं में एक रूपता पाई गई, और उसी का उल्टा होगा इनकंसिस्टेंसी, जहाँ पर कोई कंसिस्टेंसी ना हो, एक रूपता ना हो, स्थिरता ना हो, ए ऑप्शन करेक्ट। कन्फर्मिटी का मतलब होता है समानता। स्टेडीनेस मतलब एक स्थिरता, इनवेरिएबिलिटी, स्थिरता, ये तीनों इसके सिनोनिम हो जाएंगे, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।
जो वैरी नहीं करता, इनवेरिएबल, जो वैरी नहीं करता, जो बदलता नहीं है, यानी जो स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 25, एंटोनिम ऑफ अनरफर्ड, इसका क्या होगा बताइएगा। अनरफल्ड का मतलब होता है शांत, कह सकते हैं आप कि राइफल नहीं चली, अनरफल्ड कि राइफल नहीं चली यानी शांत माहौल, एगिटेटेड यानी जहां पर भड़क गया हो सब कुछ, है ना, एगिटेटेड भड़का हुआ, पीसफुल, अनट्रबल्ड, ये तो दोनों इसका सिनोनिम हो जाएगा, इनवेरिएबिलिटी मतलब जो बदलता नहीं है, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 का क्या होगा, एंटोनिम ऑफ अनवाइल्डी, अनविल्डी का क्या होगा बताइएगा। है ना, तो आप जानते हैं कि एंटोनिम ऑफ अनविल्डी, अनविल्डी का मतलब क्या होता है, बोझल, कोई चीज बोझ बन जाना कि यार इसमें इस सामान में मेरी वेल्डिंग नहीं हो पा रही, मैं बहुत परेशान हूँ, एकदम दिमाग खराब हो गया है, ये मेरे लिए बोझ बन गया है, अनविल्डी। इसका हो जाएगा कन्वीनियंट, सुविधाजनक। बात समझ में आ गई। बाकी तो पता होगा, पॉन्डरस मतलब जो निष्क्रिय हो, विचार नहीं है, विचार में डूबा हुआ है, निष्क्रिय, कुछ कर नहीं रहा, मैसिव बहुत बड़े के सेंस में, बल्कि बहुत भारी के सेंस में, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिए, ये दोनों इसका सिनोनिम हो सकते हैं, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 का एंटोनिम ऑफ अपराइजिंग, इसका क्या होगा बताइएगा, अपराइजिंग का क्या होगा बताइए। पॉन्डरस मतलब भी वही निष्क्रिय बोझिल टाइप का। अपराइजिंग का मतलब क्या होता है, जो विद्रोह होता है उसको बोलते हैं अपराइजिंग, विद्रोह का उल्टा हो जाएगा ऑर्डर, यानी कि व्यवस्था, ऑर्डर मीन्स व्यवस्था भी होता है ना, ऑर्डर माने आदेश देना, ऑर्डर माने व्यवस्था, ऑर्डर माने क्रम, रिवोल्ट माने विद्रोह, इनसर्जी माने विद्रोह, इनसरक्शन माने विद्रोह, तो सी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, एंटोनिम ऑफ वैसिलेशन, तो मैंने कहा था वैसिलेशन का मतलब होता है दोलन, दोलन मतलब जो डोलता रहता है, जिसके विचारों में एक फ्लक्चुएशन रहती है, जो व्यक्ति स्थिर नहीं रहता, जो हमेशा एक फर्म दृढ़ निश्चय नहीं रहता है, उसको वैसिलेशन कह सकते हैं, है ना, कि वैसिलेशन इन योर थॉट्स, आई कैन सी वैसिलेशन इन योर थॉट्स, कि मैं आपके विचारों में फ्लक्चुएशन को देख सकता हूँ, दोलन को देख सकता हूँ। इसका उल्ट जाएगा टीनेसिटी, टीनेसिटी का मतलब होता है दृढ़ता, कि अगर टीना को सिटी में रहना है तो दृढ़ होकर के रहना होगा, मजबूती के साथ रहना होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। और इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है जहां पर कोई स्थिरता ना हो, गैलेंट का मतलब होता है बहादुर, और फ्लक्चुएशन मतलब वही दोलन यानी ओसिलेशन, वैसिलेशन है ना, ओसिलेशन सब पढ़ाया मैंने आपको, वैसिलेशन, ओसिलेशन, फ्लक्चुएशन, बी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एंटोनिम ऑफ वैलिएंट, इसका क्या होगा। एंटोनिम ऑफ वैलिएंट इसका क्या होगा, वैलिएंट का मतलब भी होता है बहादुर होता है, याद रखिएगा।
इसका एंटोनिम हो जाएगा ट्रेमुलस। ट्रेमुलस का मतलब होता है जो जो डरपोक किस्म का व्यक्ति होता है। इंट्रेपिड, डॉन्टलेस, इन दोनों का मतलब होता है जो व्यक्ति बहादुर होता है। अधीरेंस का मतलब होता है जो व्यक्ति पालन करता है, ठीक है, जो आज्ञाकारी होता है उसको आप अधीरेंस कह सकते हैं, ठीक है। डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि अधीर का मतलब होता है पालन करना। सो अधीरेंस मतलब जो आपकी मतलब बात का हर बात को माने, ठीक है, आज्ञाकारी टाइप का व्यक्ति। डी ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, एंटोनिम ऑफ वैनिटी। वैनिटी का क्या मतलब होगा? वैनिटी का मतलब होता है बेटा घमंड, कि जो वैनिटी वैन में हीरो बैठे रहते हैं ना, वो बड़े घमंडी होते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। वैनिटी मीन्स घमंड। डेलिकेसी का मतलब होता है कोमलता। हॉटिनेस मीन्स घमंड होता है ना, कि हम बड़े हॉट हैं। वैलोरस का मतलब भी क्या होता है? वैलोरस का मतलब होता है बहादुर, गैलेंट, वैलियंट। हवरिस, हवरिस का मतलब भी घमंड होता है, कि हमारे हबी बड़े रईस हैं, इस बात का घमंड है, हवरिस। तो राइट ऑप्शन इज बी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, एंटोनिम ऑफ वेल। वेल का क्या होगा बताइए? एंटोनिम ऑफ वेल। वेल का क्या मतलब होगा? वेल का मतलब होता है विलाप करना। इसका हो जाएगा रिजवाइस, आनंद करना, मोन, लेमेंट, और ये वाला मोर्न, क्राई, वीप, है ना, ग्रोन, ये सब क्या होता है? विलाप करना। और हबी, हॉल बॉल, यॉल, हॉल बॉल और यॉल मतलब भी विलाप करना होता है। तो डी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, एंटोनिम ऑफ वेव। वेव का क्या होगा वो बताइए, है ना। वेव याद आ रहा है, ऐसे मैंने किया था। वेव, वेव माने किसी को विदा करना नहीं, छोड़ देना, कि जाओ, अपने अधिकारों को छोड़ देना, कि जाओ मुझे नहीं चाहिए, मैं सब कुछ अपने दम पे कमा लूंगा। वेव करना, अपने अधिकारों को छोड़ देना, अपने अधिकार को स्वीकार ना करना, वेव कहलाता है, कि मुझे ये दौलत नहीं चाहिए, ले जाओ, है ना, वो चीज़। वेव इसका उल्टा होगा क्लेम करना, दावा करना। देखिए फॉर्जो की स्पेलिंग मैं आपको बता दूं कि FORGO फॉर्जो ये भी सही है, और FOREGO ये भी सही है। दोनों मीनिंग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी हुई हैं, वहाँ लिखा रहता है कि फॉर्जो एंड ऑल्सो फॉर्जो, सो बोथ आर इक्वली करेक्ट, कन्फ्यूज मत होइएगा। FORGO ये भी सही है और FOREGO ये भी सही है, ठीक है। अबेंडन का मतलब त्याग देना, रिलिंक्विश का मतलब त्याग देना, फार्जो का मतलब भी त्याग देना, ये तीनों सुनोने में ये आपका एंटोनिम है। आंसर इज करेक्ट, ठीक है। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 33 का, एंटोनिम ऑफ वैरली। वैरली का मतलब होता है सावधानी पूर्वक, तो इसका हो जाएगा रेकलेसली, यानी लापरवाह, बेपरवाह। सरकमस्पेक्टली, वॉचफुली, दोनों का मतलब सावधानी पूर्वक। और रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, ठीक है, याद रखिए। डिनाउंस मीन्स अपमानजनक, और रिनाउंस मतलब त्यागना। तो राइट ऑप्शन इज सी हो जाएगा, याद रखिएगा। इसके बाद में आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर 34 का, क्या होगा? एंटोनिम ऑफ विमिस्कल। विमिस्कल का एंटोनिम क्या होगा बताइएगा?
एंटोनिम ऑफ विमिस्कल, विमिस्कल का क्या होगा? विमिस्कल का मतलब होता है सनक। इसका हो जाएगा बेटा आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा। जो व्यक्ति तार्किक होता है वो सनकी नहीं होता, बी ऑप्शन। बाकी फ्रीक, एसेंट्रिक, कैप्रिशियस, ये तीनों सनक के शब्द के रूप में इस्तेमाल हो सकते हैं। बी ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, जो व्यक्ति रीजनेबल होगा, सेंसिबल होगा, वाइज होगा, वो व्यक्ति सनकी नहीं होगा, ऐसा मान के चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 35, एंटोनिम ऑफ विदर, एंटोनिम ऑफ विदर इसका क्या होगा बता दीजिएगा। तो बेटा विदर का मतलब होता है मुरझाना, मुरझाना। कि वेदर अच्छा नहीं था इसलिए पेड़ विदर हो गए, मुरझा गए, मुरझाना, कमजोर हो जाना, पीला पड़ जाना। ठीक है, वो सब एक ही सेंस में आता है मुरझाना। कहते हैं तुम कितनी मुरझा गई हो, मतलब दुबली हो गई हो, या कोई कपड़ा कितना मुरझा हुआ कपड़ा लग रहा है, कितना मतलब पीलापन सा लग रहा है, ये चीज़ें होती हैं। तो विदर मीन्स मुरझाना, पीला पड़ जाना, कमजोर दिखना। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपका इनफ्लोरेंस, यानी कि फलना फूलना। ठीक है, ट्रैवल मीन्स क्या होता है मुरझाना, ड्विंडल मीन्स कमजोर हो जाना, डिटेरोरेट मीन्स खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना, बेकार हो जाना। डिटेरोरेट बेकार हो जाना, ड्विंडल कमजोर हो जाना, ट्रैवल मुरझा जाना, इन्फ्लुएंस खिल जाना। सो राइट ऑप्शन इज सी यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आज का आपका ये सेशन समाप्त होता है, और इसी के साथ में आपकी वोकैब जो है ए टू जेड वो भी समाप्त होती है। ठीक है, ये मत बोलिएगा कि एक्स वाई जेड में क्या है, जेड में एक्स वाई जेड में ज़्यादा मीनिंग नहीं होती हैं, और जो हैं भी वो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। ठीक है, किसी ना किसी का वो सिनोनिम टोनिम हो चुके हैं, जैसे कि जील हो गया, जीलट हो गया, जेनिथ हो गया, ये शब्द सब हो चुके हैं, तो क्या फिर से वही चीज़ करवाना बार बार। ठीक है, वाई में ज़्यादा नहीं होते, ईल्ड वगैरह जैसे शब्द आते हैं वो भी करवा चुका हूँ, एक्स में कुछ नहीं होते हैं ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरह से आपकी वोकैब ए टू जेड ख़त्म हो गई। कल से आप पढ़ेंगे idioms, तो मैंने आपको vocab पढ़ा दी, synonyms, antonyms, मैंने आपको वन वर्ड पढ़ा दिया है, मैंने आपको phrasal verb पढ़ा दिया शाम को। अब आपकी शाम की क्लास नहीं होगी, जान लीजिएगा, मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप में, वरना बच्चे मैसेज करेंगे बार बार। और आपकी केवल कल से एक घंटे क्लास चलेगी, वो भी मॉर्निंग में और idiom। ठीक है, और यदि शाम का वक्त आपके पास में है, यदि आपने प्रैक्टिस बैच नहीं लिया है, तो जाहिर सी बात है कि आपका 6:30 बजे का समय खाली होगा, तो आप अपना रिवीजन वगैरह करिएगा। ठीक है, बाकी जिन्होंने प्रैक्टिस बैच ले रखा है उसके बाद तो आप लोग प्रैक्टिस में ही बिजी हो जाओगे, 5:30 बजे से 1.5 घंटा चलेगी लगभग, 1.5 घंटा कम से कम आप मांग चलिए। हाँ, कल से प्रैक्टिस बैच भी चलेगा रेखा, बिल्कुल। ठीक है, कल से EDM पढ़ाऊंगा। ठीक है, EDM के लिए तैयार रहिएगा, लगभग 10-20 दिन में आपकी क्लासेस ओवर हो जाएंगी, 20 दिन लगभग अगर रेगुलर पढ़ा दूं तो, यानी कि नेक्स्ट मंथ पूरा हो जाएगा आपका वो कैप पोर्शन। ठीक है, क्योंकि 2-2 घंटे पढ़ाया है ना, तो मेहनत भी ज़्यादा की है आप लोगों के लिए, आपके पास रिवीजन का भी टाइम हो जाएगा अब, है ना। चलिए, प्रैक्टिस बैच कब आया ये देखिए, कौन दुनिया में हती हैं आप लोग, किस दुनिया में रहते हैं आप लोग। लगभग 10 दिन से मैं अनाउंस कर रहा हूँ, पब्लिक क्लास में अनाउंस कर रहा हूँ, पेड में अनाउंस कर रहा हूँ, किस दुनिया में रहते हैं आप, पता नहीं है कि प्रैक्टिस बैच कब आ गया। प्रैक्टिस बैच जो है ना वो ऐप में चलेगा, पहली बात, ऐप में जिसको ज्वाइन करना है वो ऐप में जाइए, लाइव कोर्सेज में जाइए, लाइव कोर्सेज में जा कर के आपको जो बैच प्रैक्टिस बैच है उसको परचेस कर लीजिएगा, बस सिंपल सी बात। ठीक है, कोई दिक्कत आए तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और कल से क्लास उसकी शुरू होने वाली है, 25 जून
अभी शाम को 5 बजे है, बाकी बच्चों से बात करके 5:30 कर देंगे अगर बच्चे एग्री हुए तो। चलिए बढ़िया है अगम, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा गांव में थी, ओके कोई बात नहीं। तो टच में रहा कीजिए, गांव में रहिए या कहीं भी रहिए, कोशिश किया कीजिए कि टच में रहिए अपने जो आपका टेलीग्राम का चैनल है उसमें क्लास की लिंक मिलती रहती है, उसमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, पब्लिक क्लास की इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है पब्लिक वाले टेलीग्राम में। जुड़े रहिए, कनेक्ट रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होता रहेगा, कनेक्टिविटी ख़त्म तो लॉस शुरू। चलिए तो आज के लिए बस इतना ही, और कोशिश करूँगा कि आज की क्लास जो हो ना पब्लिक वाली वो ऐप में हो ट्रायल के रूप में, ऐसा मैं प्लान करने जा रहा हूँ। 1 घंटा का टाइम है मेरे पास में, कोशिश करता हूँ, अगर ऐसा हुआ तो बहुत अच्छा रहेगा मेरे लिए भी, है ना, एक ट्रायल हो जाएगा बच्चों का। चलिए तो जो भी रह गए हों, सर मेरा अभी कोर्स पूरा नहीं हुआ है, कैसे प्रैक्टिस बैच लें? तो प्रैक्टिस बैच अलग है, कोर्स अलग है, कोर्स आप पढ़ते रहिए प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो वीडियोस तो आपके पास में 1 साल तक रहेंगी ना, आप उनको बाद में रिवाइज भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकती हैं, मतलब वो बैच आपका एक मॉडल पेपर की तरह है, TGT PGT का जो ग्रामर मॉडल पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा मेरे प्रैक्टिस बैच में, ठीक है? वो क्या है, लर्न करने में जो प्रॉब्लम हो रही है वो धीरे धीरे सॉल्व होगी, है ना, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए सो फल होए। सो थोड़ा थोड़ा याद कीजिए और याद हो जाएंगे, जब सब बच्चों को याद हो सकती है तो आपको भी याद हो जाएंगे, ठीक है? चलिए 8 PM वाली जो क्लास है वो अपने समय पर चलेगी, वो ग्रामर है, और आपका ये बैच वो कैब बैच है, तो वो कैब बैच में वो कैब बैच की बातें हो रही हैं ना कि ग्रामर बैच की, तो उसको इससे जोड़ा ही मत किया करिए कभी भी, ठीक है? जो अपने समय पे चल रहा है वो चल रहा है, वो गैप की 2 क्लासेस होती थी तो अब 1 होंगी, बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है, सिंपल सी बात है, ठीक है? तो डोंट गेट कन्फ्यूज, ओके? चलिए सर बिहार का भी उसी से हो जाएगा क्या? बिहार का एग्ज़ाम तो कब है बताइए, बिहार का एग्ज़ाम देखिए जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो दुनिया के सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, यदि आप सीख गए आप बिहार देंगे, बिहार में भी हो जाएगा, NVS देंगे, KVS देंगे, EMRS देंगे, DSS भी देंगे, सब में मेरी क्लासेस, MP ग्रेड भी देंगे, तो उत्तराखंड भी देंगे, झारखंड भी देंगे, 100% एक मतलब मेरी क्लासेस आपके लिए हेल्पफुल है, टेंशन फ्री रहिए। लेकिन बच्चों की आदत ये होती ना, जो मतलब आप लोग तो खैर जुड़े हुए हैं, जो बच्चे बाहरी हैं, झारखंड के नाम से बैच चलेगा तभी वो ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड में मैं तो नाउन को प्रोनाउन पढ़ाऊंगा ना, सोच है अपनी अपनी, ठीक है? हाँ जो बच्चे देखिए जो प्रैक्टिस बैच है उसमें 10 मॉक टेस्ट फ्री हैं, क्योंकि जिन बच्चों ने सफलता बैच लक्ष्य बैच ये सब बैच लिए थे मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि मैं 10 मॉक टेस्ट आपको फ्री दूंगा, तो उसमें से 10 मॉक टेस्ट बच्चों के फ्री हैं, है ना, उसके बाद पे करना पड़ेगा, है ना, लगभग 40 मॉक टेस्ट आपको पेड पेड देखने पड़ेंगे, और इसके एक्स्ट्रा जो मैं कराऊंगा वो अलग, वो तो मैं उसी में मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा कितना कराऊंगा वो मेरे ऊपर है, 40 तो है ही प्लस जो एक्स्ट्रा हो सकता है मुझसे वो अलग, ठीक है, वो मैं अलग करवाने वाला हूँ। तो ये थी आज की कहानी, यहीं पर समाप्त, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे 12:30 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, नमस्कार, जय हिंद।